स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि N1 हम तो N2 N3 के स्टूडेंट्स हैं या N4 के स्टूडेंट्स हैं, हम ये वीडियो क्यों देखें, या फिर जो स्टूडेंट्स N1 की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी ये सोच रहे होंगे कि N1 क्या एक वीडियो से ही हमें N1 पता चल जाएगा। N1 में तो बहुत सारी वोकेबलरी, बहुत सारी मोजीगोई दोकाई, बहुत बड़े बड़े कांजी वोकेबलरी आता है। तो इस वीडियो ये बताने के लिए है कि चाहे आप N1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप N5 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सिर्फ स्केल पर, सिर्फ नॉलेज पर, सिर्फ स्टाइल पर ध्यान देना है और आप N1 हो चाहे N5 हो सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है JLPT को एक ही बार में क्लियर करना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि चाहे N1 की पढ़ाई हो चाहे N5 की पढ़ाई हो, देखिए नया जो वर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल N1 के अंदर नए वर्ड्स हैं, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, मागीरावाशी, वाजरावाशी, कुसुगुताई, कुसुगुताई मतलब टिकलिश, गुदगुदी होना, मागीरावाशी का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग होना। तो ये वर्ड्स तो आपने जैसे N5 अगर प्रिपरेशन करी है तो आपने कुरुमा, देंशा, गक्को ये भी याद किया है, ये भी नया वर्ड था, गक्को हमने पहले कभी नहीं सीखा, इसी तरह से वाजरावाशी भी हमने पहले कभी नहीं सीखा, कुसुगुताई भी हमने पहले कभी नहीं सीखा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप अपना एक स्केल सेट कर लें, अगर आप अपना एक स्टाइल सेट कर लें, तो चाहे N2 हो, चाहे N4 हो, चाहे N1 हो, उसको एक ही बार में, देखिए एक ही बार का मतलब होता है 6 महीने, एक ही बार का मतलब एक महीना नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एक महीने पहले ही जागरूक हो जाते हैं, ओहो JLPT आने वाला है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। नहीं, अगर आपने वो भर दिया है, जैसे मैंने N3 भरा है तो मैं N3 की प्रिपरेशन आज से ही शुरू करूंगा, ये वाला अगर आपने एटीट्यूड अपना लिया है और जो स्केल, जो स्टाइल पढ़ाई करने का अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो N1 भी क्लियर करना एक ही बार में इम्पॉसिबल नहीं है। बस एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जोश में आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद मुझे अगले 4 दिन तक होश नहीं आ रहा है, ये चीज़ भी इसी के अंदर आती है, इसी एटीट्यूड के अंदर आती है। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दोकाई चाहे वो N1 की हो या N4 की हो, उसके थ्रू हम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। खाली दोकाई में ही अपनी स्पीड नहीं बना सकते हम, खाली वोकेबलरी और ग्रामर को ही नहीं सीख सकते, बल्कि हम ये भी सीख सकते हैं कि एक जैपनीज राइटर क्या कहना चाहता है। एक जापानीज राइटर जो है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर मैं एडवांस लैंग्वेज लिख रहा हूं तो मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करूंगा, या फिर मैं बहुत बेसिक लोगों के लिए लिख रहा हूं तो मैं बहुत स्मॉल वर्ड्स यूज करूंगा, छोटे मोटे वर्ड्स यूज करूंगा। कोई भी जापानीज राइटर होता है या फिर कोई भी जो आर्टिकल लिखते हैं या फिर जापानीज में कोई भी कॉम्प्रिहेंशन होती है, कोई भी आप ऐसे लिखे, उसमें लेवल देख के नहीं लिखा जाता। दोकाई ये हमें बहुत बड़ी चीज सिखाती है, जैसे कि ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों को ये डर नहीं है कि मैं जब तक कांजी नहीं कर सकता तब तक मैं आगे के लेवल में नहीं जा सकता, या बड़े बड़े जब तक मैं वर्ड्स की लिस्ट याद नहीं कर लेता तब तक मैं दोकाई नहीं कर सकता, जिनको ये डर नहीं है वही लोग ये बात को समझ पाएंगे कि ये N1 की दोकाई भी मेरा चाहे N3 लेवल है, N4 लेवल है, N5 लेवल, लेकिन थोड़ा बहुत मैं तब भी समझ पा रहा हूँ। और इसी तरह से मैं स्केल को फिट करके अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज को, थोड़ी बहुत वोकेबलरी को, थोड़ी बहुत ग्रामर को याद करके आगे बढ़ता जाऊँ, तो दोकाई चाहे वो N3 लेवल की हो, N2 लेवल की हो, चाहे वो N1 लेवल की हो, मुझे 10 में से 6 या 7 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, मुझे दोकाई समझ आ जाएगी, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है इस दोकाई के थ्रू मैं आपको ये चीज भी साथ साथ सिखाना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओकनो रोजिन ताचिनो शी ओ मोकजेन निश्ते, यानी कि बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं, रोजिन ताची मतलब बूढ़े लोग, नो शी ओ, शी का मतलब होता है डेथ, ये तो N5 में हम सीख लेते हैं। मोकजेन निश्ते, मोकजेन थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, N2 का वर्ड है, इसका मतलब होता है को आगे मान के, यानी कि कोई आप जैसे किसी जगह बढ़ रहे हैं, किसी टारगेट को लेके बढ़ रहे हैं, तो टारगेट समझ सकते हैं, यानी कि डेथ को आगे मान के, डेथ को टारगेट मान के। वताशिवा कार्यरानो होंतोनो नोजोमियो शिरू कोतो का देखिता, राइटर कह रहा है कि मैंने उन लोगों की असली जो नोजोमी है, नोजोमी का मतलब होता है विश, डिजायर, यानी कि डेथ के समय अगर आप मान लीजिए आपकी डेथ होने वाली है तो आपकी क्या विश होगी, क्या डिजायर होगी, या आप क्या, आपका क्या मैसेज होगा, आपके हार्ट में से क्या बात आ रही होगी।
शिरु कोतो का देखी था, मतलब मैं वो जान पाया, मैं वो देख पाया। सोरेवा कारे रागा डैश तो इतने शिनिताई। अब देखिए दोकाई में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस चीज पर आएगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्वियसली यही पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। और इस सेंटेंस में ये दिया हुआ है कि कारे रा, कारे के बाद रा लग जाता है, तो इसका मतलब कार्य मतलब वह और कार्य रा मतलब वो लोग, वो जितने भी लोग थे, प्लूरल बन जाता है ये। तो कार्य रा का डैश तो इतने शीनिताई, वो लोग ये बोल के मरना चाहते हैं, यानी कि राइटर ने बोला कि मैंने सर्वे करा तो उन लोगों से मुझे ये जवाब मिला। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी हमें आगे तो पता ही नहीं है क्योंकि आगे की दोकाई हमने पढ़ी नहीं है। तो दोकाई में जब भी आप जैसे जेएलपीटी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पहले से अपने दिमाग में थोड़ा बहुत गैसवर्क लगा के चलें कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये को तो तत्ता, ये बात उन्होंने मुझे बताई। एक बारी फिर से ऑप्शन, एक बारी फटाफट से ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सायोनारा योको देकिता आरिगातो, सायोनारा मतलब बाय बाय, हमेशा के लिए बाय बाय। योको देकिता मतलब आपने बहुत अच्छा करा, आरिगातो मतलब थैंक्स, गोमेना से मतलब आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ भी नहीं समझ आया हमें। सोरेगा नानियो इमिश तेरुनो का, इसका क्या मतलब है? इमी का मतलब होता है मतलब, तो इसका क्या मतलब है? मोचिरोन काम्बियोश ते कुरेता काजोकु एनो कांशामो आरुदारो। ऑब्वियसली मोचिरोन मतलब ऑब्वियसली काम्ब्योश ते कुरेता, यानी कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी है, काम्ब्यो का मतलब होता है नर्सिंग, यानी कि टेक केयर करी है बीमारी के समय जिस डिजीज्ड पर्सन की या पेशेंट की हम देखभाल करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, नर्सिंग करते हैं, उसको काम्ब्यो बोलते हैं। कुरेता काजोको एनो कांशा, यानी कि वो जो फैमिली है जिसने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, मेरी बहुत देखभाल करी है, एनो कांशा। अब देखिए कांशा में एक बहुत बड़ा हिंट है, कांशा का मतलब होता है थैंक्स, तो हो सकता है इसका आंसर हो थ्री, आरिगातो। तो एक तो राइटर ने ये बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जिस फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प करी है उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। दारो, दारो से राइटर कह रहा है दारो मतलब देशो, यानी कि क्या ये नहीं है, यानी कि यही लग रहा है। तो देखिए जो एडवांस लेवल पढ़े हुए हैं, जिन्होंने N1 एंड अटेम्प्ट किया हुआ है या पूरी नॉलेज है जिनको, वो अभी भी समझ गए होंगे कि इसका आंसर थ्री ही है, आरिगातो, क्योंकि कांशा का मतलब होता है आरिगातो, और ना ही सायोनारा, ना ही योकु देकिता, ना ही गोमेना साई में इसका मतलब आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुकारा काकेत्सुकेते कुरेता शिनजोकु एनो, यानी कि जो मेरे क्लोज्ड रिलेटिव्स थे, फैमिली थी, उनकी तरफ ओरे मोआरू कामशिरन, ओरे ओरे का भी यही मतलब है, ओरे का मतलब होता है थैंक्स। तो अगेन राइटर ने बताया कि हो सकता है ये वाला थैंक्स अपनी फैमिली के लिए हो, या फिर ये वाला थैंक्स अपने उन क्लोज रिलेटिव्स के लिए हो जो कि बहुत दूर से आए थे। दागा, दागा का मतलब होता है लेकिन, और देखिए ये कोई बड़े बड़े एन वन के वर्ड्स नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो N1 में आया है दागा, अगर N5 भी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा गा का मतलब होता है बट और दा का मतलब होता है दिस। तो सिंपल यहां पर भी इसका यही मतलब है, दिस मतलब दिस गा, यानी कि लेकिन होंतोनी कारेरागा ई ताई नोवा आ ई जिनसे दाता तुय को तो देवाना इधर होगा। तो असल में वो लोग जो कहना चाहते हैं, ई ताई मतलब जो कहना चाहते हैं, आ ई जिनसे दाता, यानी कि अरे मेरी तो बहुत ही अच्छी लाइफ थी, तो ये भी एक तरह से थैंक्स गिविंग ही है। देखिए अच्छी मेरी बहुत ही अच्छी लाइफ बीती, तो ये एक तरह से वो ना ही सायोनारा कह रहा है, ना ही गोमेना साई कह रहा है, वो आरिगातो यानी कि थैंक्स कहना चाहता है कि आपकी वजह से मेरी बहुत अच्छी लाइफ बीती है। ना ही वो योकु देकिता कहना चाहता है, क्योंकि योकु देकिता आप किसी की तारीफ करते हैं जब कि तुमने ये बहुत अच्छा काम करा, तब हम बोलते हैं। तो देखिए N1 के इस दोकाई को सिखाते सिखाते मेरा ये पर्पज है कि आपको एक सेंटेंस, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, कितने भी एडवांस लेवल का हो, लेकिन एक सेंटेंस को अगर आप इसी तरह से अगर आप रीड करते जाएं, आप सेंटेंस को एक नॉवल की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह रीड करते जाएं, तो आपको कोई भी लेवल मुश्किल नहीं लगेगा। आगे जाके मैं जैसे आपको भी मोजिगोई और बुम्पो का भी एक एक पार्ट सिखाऊंगा, तो उसमें भी आपको यही फील होगा कि कोई भी, चाहे वो N1 है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप वर्ड्स के पीछे पड़े रहेंगे, पूरी लिस्ट लेखेंगे, तो 6,000 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में, तो वो तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल लगेगा ही, और उसके चक्कर में आप उसको छोड़ भी देंगे कि ये मैं 6,000 वर्ड्स तो भाई एक साल लगेगा, पहले मैं अपनी N2 N3 या फिर जो भी मेरी जॉब वॉब है वो कर लेता हूँ, N1 मैं कभी जाके करूँगा जब मुझे कोई गाइडेंस मिलेगी, जब मुझे कोई गाइड करेगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मिलेगा, या फिर जापान में एक दो साल लगाऊंगा। तो यही सब
के चक्कर में स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 6 महीने का जो N1 है उसको एक एक दो दो तीन तीन साल लगा देते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ई जिनसे जाता तो यू को तो देवाना इधर होगा, तो यानी कि राइटर कह रहा है कि पेशेंट ने तो मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में थैंक्स और अपने ग्रेटिट्यूड शो करे हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो ये कहना चाहता है कि मेरी लाइफ आपकी वजह से बहुत अच्छी थी, इसके लिए आपका थैंक्स। तुको तो देवाना दारो का, क्या यही बात नहीं है? तो आई थिंक आप सबको आंसर पता चल चुका है कि कार्य रागा आरिगातो तो इतने शिनिताई, वो सब लोग आरिगातो कह के मरना चाहते हैं। तो इसी तरह से N1 के मतलब N1 में जो भी दोकाई आती है वो 100% कांजी पर ही निर्भर है, 100% वोकैबुलरी पर ही डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। अगर आपने N3 में N2 में दोकाई को काफ़ी रीड करा है, आपने कॉम्प्रिहेंशन को रीड करा है, तो N1 की दोकाई भी बिल्कुल बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम एक सेंटेंस के थ्रू थोड़ी सी मुश्किल वोकैबुलरी को भी मैं आपको सिखाता हूँ। कोकोवा चूर इन किंची दिस, देखिए इसमें आपने पहले भी चूशा किंशी तो कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, N2, N3, N4, N5 तक भी स्टूडेंट्स जो हैं वो चूशा जानते हैं, यानी कि पार्किंग, और किंशी का मतलब होता है बैन या नो पार्किंग। तो अब बस इसमें इतना सा चेंज है कि चूरिन किंशी है, चूरिन का मतलब होता है साइकिल्स के लिए, यानी कि आपको साइकिल पार्क करना जो है वो बैन है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। होची जितेन छवा टेक योर शिमास, होची का मतलब होता है लीव अनअटेंडेड, यानी कि आपने किसी चीज को छोड़ दिया है अनअटेंडेड, बिना उसके ऊपर ध्यान दिए, उसको होची बोलते हैं। ये बीमारियों के लिए भी आता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इसको अगर आप बिना अटेंड किए छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते, तो ये आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, इसको होची बोलते हैं। होची का मतलब होता है बिना परवाह किए उसको छोड़ देना। जितेंशा तो सबको पता है साइकिल, यानी होची जितेंशा, यानी कि जो आपने अपनी साइकिल अटेंडेड अटेंड नहीं करी है उसको छोड़ दिया है बिल्कुल। टेक्यो शिमास, टेक्यो का मतलब होता है जब्त कर लेना, यानी कि कॉन्फिस्केट कर लेना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है उसको हम जब्त कर लेंगे जब तक आप उसको प्रोसीजर करके या फाइन जो भी है, जो भी पेनल्टी है, जो भी फाइन है, उसको भर के पूरा नहीं करते, तब तक वो हमारे पास रहेगी, इस चीज को टेक्यो कहते हैं। टेक्यो शिमास यानी कि यहां पर जो भी साइकिल्स पार्क कर दी जाएंगी उनको हम जब्त कर लेंगे, ये इसका मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। कोनो कुनी देवा जिंको वा ओमोनी हेया बुनी बुम्पुशी, पहले बुम्पू का मतलब समझते हैं। बुम्पू का मतलब होता है डिसिपेट होना, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि फैले होना। कोनो कुनी देवा, इस कंट्री में जिंको यानी पॉपुलेशन जो है, ओमोनी, ओमोनी का मतलब होता है मेनली, मेनली हेया बु यानी कि प्लेन्स पर है, प्लेन्स जहां पहाड़ी जमीन नहीं होती, समतल जमीन होती है, उसको हेया बोलते हैं, और बू का मतलब होता है पार्ट, यानी कि प्लेन्स में बुम्पू है, बुम्पू का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड है। यामानो हो देवा कावानी सोते जिंकोगा बुम्पुश तेमस, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कावानी सोते, कावा का मतलब होता है रिवर, और नी सोते मतलब के साथ साथ, अलोंग विद, यानी कि रिवर के मतलब प्लेन्स में तो है ही पॉपुलेशन, पहाड़ी इलाकों में जहां जहां पर नदी है उसके साथ 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 जिंको यानी पॉपुलेशन जो है वो बुम्पू यानी कि डिसिपेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वहां पर पॉपुलेशन है। तो देखिए ये सेंटेंस मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जैसे अभी हमने टेक्यो सीखा था, टेक्यो मतलब कॉन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना, इस सेंटेंस में भी बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं, जैसे बुम्पू डिसिपेटेड होना, हे या बू प्लेन एरिया, कावानी सोते, नी सोते एक बुम्पू का पैटर्न है, इसका मतलब होता है कि साथ साथ, अलॉन्ग विद, जैसे हाईवे के साथ साथ बड़ी सारी दुकानें हैं, इस तरह से नी सोते आता है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर N1 की चाहे दोकाई है, सॉरी बुम्पू है या वोकैबुलरी है, उसको पहले सेंटेंस से सीखिए, दोकाई से सीखिए, उसके बाद आप N1 करने लगेंगे, आपको सिर्फ 2 या 3 महीने लगेंगे बची हुई वोकैबुलरी को याद करने के लिए। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था, वाजरावाशी, मागीरावाशी, और भी बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, उनको याद करने में सिर्फ 1 महीना लगता है, उनको याद करिए, उनको एज इट इज JLPT में आंसर करिए और भूल जाइए, कोई बात नहीं। N1 के लिए अंडरस्टैंडिंग दोकाई की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक मैं आपको बुम्पू का पैटर्न सिखाना चाहता हूँ, नी को आए थे, हालांकि ये N1 का नहीं है, N1 और N2 दोनों में आता है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि N1 का नहीं, N2 का ही है,
क्योंकि मैंने कई बार N2 इनफैक्ट N3 में भी दोकाई में ये पढ़ाया हुआ है. तो नी को आयतों का मतलब होता है इन एडिशन टू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अब कोई भी पैटर्न हो उसको रेबुन से याद करिए. जैसे रेबुन पहला जो दिया हुआ है आमे नी कुआते काजे मोत सेकुनरी, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इन एडिशन टू रेन यानी बारिश के साथ साथ काजे मोत सेकुनरी हवा भी बहुत तेज हो गई है. यागाई कौन सा होगा, चूशी नाता. यागाई मतलब आउटडोर, आउटडोर कॉन्सर्ट जो था चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है या जो भी है वो चूशी हो गया यानी कि कैंसिल हो गया है. तो इस तरह से देखिए एक ही मिनट में हमने इसको सीख लिया. इसको आप दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे या इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दो बार में ही आपको पूरी दोकाई और उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. एगानो सेको नी कुवाए शिन क्योकुमो हितोशी, यानी कि फिल्म की सक्सेस के एडिशन में नई जो ट्यून थी, नई जो धुन थी, क्योकु क्योकु मतलब धुन, ट्यून, और शिन मतलब न्यू, शिन क्योकु न्यू ट्यून, यानी उसने कोई नई म्यूजिक कंपोजिशन करी है. मो हितोशी वो भी हिट हो गई, यानी कि फिल्म भी सक्सेस हो गई और उसका जो नया गाना है वो भी हिट हो गया. कारेनो निंकी वा क्यू जो शोश तेरू, उसकी जो निंकी है, निंकी मतलब पॉपुलैरिटी है, तो N5 में हमने सीख लिया है, फिर N4 में सीख लिया है. क्यू जोशो, ये आप गेस कर सकते हैं, जोशो का मतलब होता है इंक्रीज करना और क्यू का मतलब होता है सडन. ये सासोको में भी आता है, क्यू नी में भी आता है, क्यू नी मतलब सडनली. तो क्यू जोशो तेरू का मतलब है सडनली बढ़ रही है, उसकी जो निंकी है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो सडनली बढ़ रही है. तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए N1 के, N1 हो चाहे N2 N3 हो कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ मैटर करता है 3-4 महीने की पढ़ाई. अगर आप स्टडी को इस तरह से लेंगे कि मेरे को दोकाई सेंटेंस और वोकैबुलरी साथ साथ करते जाना है, तो आपके लिए सिर्फ 3-4 महीने की बात है. हाँ ये है कि डेली आपको कम से कम 2 या 3 घंटे लगाने पड़ेंगे अगर आपका N1 या N2 लेवल है, कम से कम 3 महीने के लिए. और अगर N3 N4 लेवल है तो डेली का 1 घंटा लगाना पड़ेगा कम से कम 4-5 महीने के लिए. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा ये कोई मुश्किल काम नहीं है. देखिए लोग IIT करते हैं, MBA करते हैं, MBBS करते हैं, कई कई साल लगाते हैं, 5-5, 6-6 साल लगाते हैं और उसके बाद वो करियर बना पाते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है जापानीज लैंग्वेज में, जापानीज इंडस्ट्री में, जापानीज बिजनेस में. अब तो बहुत सारे लोग जापान जा रहे हैं, जापान में जाके काम करते हैं वो. हम हमेशा ये पर्पज ऑफ स्टडी बना के भेजते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं. उसके बाद हमें भी बहुत सारा कुछ फाइट करना पड़ता है उनसे. क्यों? क्योंकि अब सारा इंडिया, इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, आप एशिया के अंदर देखें, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज हैं वो सब जापान शिफ्ट होती हैं. मतलब US, UK भी जाती हैं, लेकिन जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं उनमें शिफ्ट हो रही हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो लैंग्वेज है, और दूसरी बात की आपके करियर प्रोस्पेक्टस बहुत बहुत अच्छे होते हैं. तो देखिए इस चीज़ को छोटा मत समझिए, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आगे जाके आपको बड़ा रिजल्ट देने वाली है. इसी चीज़ को अब मोकजेन का मतलब होता है टारगेट मान के पढ़ाई करते रहिए. ऑल द बेस्ट. सो फ्रेंड्स देखिए एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जिस तरह से मैंने दोकाई या फिर कहते हैं कि जो नए नए वर्ड्स होते हैं वो हम कैसे सीखें, वर्ड्स को सीखने के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ. हमें बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट्स होती हैं हमारे पास. N2 की लिस्ट बहुत लंबी है, N1 की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, N5 N4 में लोग घबरा जाते हैं. लिस्ट के ऊपर मत ध्यान दीजिए. लिस्ट जो होता है वो आपको सेंटेंस अपने आप ही सिखा देता है. चाहे लिस्ट के अंदर, जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोज में बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि वाताशिवा माई नीची कुरुमानी नोते देंशा, सॉरी देंशा नी नोते या कुरुमानी नोते गाको एक ही मास. तो इसमें नोते का मतलब होता है बोर्ड करना, मैंने ट्रेन या कार बोर्ड करी और गाको एक ही मास. तो ये सेंटेंस आपको गाको भी सिखा देगा, देंशा भी सिखा देगा, कुरुमा भी सिखा देगा, नोते भी सिखा देगा. तो आप सिर्फ सेंटेंसेस पर ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी लिस्ट से घबराइए मत. JLPT को एक ही बार में पार करना इम्पॉसिबल होता है. देखो मैं तो 6-6 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा N2 क्लियर ही नहीं हुआ, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ N2 कैसे क्लियर करते हैं. जो आपको ये बोलते हैं कि मेरा खुद 6 साल में नहीं क्लियर हुआ है N2, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो वो क्या सिखाएंगे? वो भी आपको यही सिखाएंगे कि 6 साल तक फेल होना है और उसके बाद फिर पास होना है. तो प्लीज़ बिलीव करिए अपने ऊपर, सिर्फ किसी की बात मत सुनिए, सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करिए. अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके अच्छे लगते हैं कि सेंटेंस से ही आप वर्ड सीख सकते हैं, उसी सेंटेंस से आप दोकाई भी सीख सकते हैं, और उसको अगर बोलते हैं तो चोकाई की प्रैक्टिस हो जाती है, बुम्पो भी उसी के अंदर आती है, तो आप JLPT को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं. आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा. इस वीडियो से मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि आपको मुश्किल से मुश्किल दोकाई भी कांजी पर डिपेंड नहीं करती है, वो पूरे मीनिंग पर डिपेंड करती है. पूरा मीनिंग जो है
अगर कांजी नहीं भी आपको आती तो आप बिना कांजी के भी निकाल सकते हो, फिर कभी कभी फंस भी सकते हो। तो इस तरह से आप सोच के अगर चलेंगे तो दोकाई हो चाहे चोकाई हो चाहे मोजीगोई हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश रहेगी, चाहे एडवांस लेवल हो चाहे बिल्कुल बेसिक लेवल हो, उसके सभी तरीकों को बताते रहने की, साथ साथ जापान के बारे में, जापान के स्टडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहने की। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमें सेम चीज़ पूछते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को वो सेम चीज़ एक यूनानिमस तरीके से बताई जाए, एक डिफाइंड स्टाइल से बताई जाए, ताकि सभी को एक बार ये चीज़ पता चल गई कि जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई का बहुत सारा सिलेबस होता है, उस सिलेबस को अगर आपने स्केल बना के पढ़ाई करने की कोशिश करी तो 3 महीने 4 महीने में एक लेवल आप पार कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम अपने इंस्टीट्यूट में भी बताते हैं, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को लाइव जब मैं क्लासेस देता हूँ तो उन क्लासेस में भी मैं दो चीज़ें सिखाने के बाद हमेशा एक ये छोटा सा भाषण ज़रूर देता हूँ कि आपने सीख तो लिया है, लेकिन इस चीज़ को आप याद कैसे करोगे? क्या जो मैंने अभी आपको अभी सिखाया है वो आपको पूरा एंड तक याद रहेगा? क्या JLPT के एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम तक याद रहेगा? उसको याद आप ही को करना है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे JLPT हो, चाहे वो कंपनी का इंटरव्यू हो, उसमें भी सेम ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो याद करने का तरीका है रिपीटेशन, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप रिपीट करें। कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, कोई बात नहीं, उसको 4-5 बार रिपीट करो। आसान लगती है तो आपको 2 बार में ही याद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कहते हैं कि पार्टिकल्स, नी पार्टिकल, गा पार्टिकल, वा पार्टिकल। देखिए पार्टिकल का एक मीनिंग नहीं होता, और पार्टिकल के 3-4 मीनिंग होते हैं। मीनिंग का मतलब है यूजेज होते हैं, मतलब एक सेंटेंस में उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए जापानीज लैंग्वेज में कितने पार्टिकल्स हैं? मैक्सिमम 15 या स्टार्टिंग में यूज होने वाले 10 पार्टिकल्स हैं, और उनकी अगर यूजेज अगर 3 यूजेज हैं, 4 यूजेज हैं, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, उन 3-4 यूजेज को अगर मैं याद कर लूँ, अगर मैं 4-4 सेंटेंस, 5-5 सेंटेंस हर यूजेज का पढ़ लूँ, तो सारे पार्टिकल्स आप 1 महीने 2 महीने, कुछ स्टूडेंट्स 1 हफ्ते में ही, देखिए कॉन्सेप्ट समझने की बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो 1 हफ्ते में ही पार्टिकल्स तो क्या, आप बुम्पो के पैटर्न्स तो क्या, बुम्पो के पैटर्न्स के बारे में भी मैंने कई बार बताया, जैसे बुम्पो पैटर्न 43 149, ये सब छोड़ के आप समझिए इसका ये मीनिंग होता है, और 2-3 बार उसको यूज़ करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि बुम्पो हो चाहे पार्टिकल हो चाहे जंबल वर्ड्स हो, जंबल वर्ड्स मतलब जो सेंटेंस आपको जंबल करके दिया जाता है कि आप इसको सीधे ऑर्डर में लगाइए, और जो स्टार मार्क है जहाँ पर वो है आपका आंसर। तो ये सब चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं है। JLPT को या जापानीज लैंग्वेज को स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा डर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा फियर बनाया हुआ है। और हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है Nihongomax.com, उस पर जाना ज़रूर, मतलब कभी मत भूलिएगा, ज़रूर जाइएगा उस पर, देखिए कि आप अगर आधा घंटा भी लगाते हैं तो N1 से लेकर N5 तक एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, एक एक चीज़ के बारे में मैंने मोटिवेशन भी दी हुई है कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, www.nihongomax.com। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फिर से हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।